तू कहाँ है तेरी मैडम? पता नहीं, इनको पूछते। नलिनी मैम कहाँ है? मैडम अभी लेक्चर में। ओके थैंक यू। अरे क्या थैंक यू, कभी आएगी नलिनी मैडम? भाई मुझे बहुत लेट हो रहा है। पोपट अंकल लेक्चर खत्म होने का टाइम है, मैम अभी आते ही होंगे। गुड इवनिंग मैम। मैम आ गए। पोपट अंकल संभाल लेना। हेलो मैम। हे भगवान, बस ऐसी ही पढ़ी लिखी खूबसूरत प्रोफेसर को मेरी दुल्हन बना देना। पोपट अंकल टप्पू, तेरी मैम की शादी हो गई है। पोपट अंकल इंस्पेक्टर, पोपट अंकल नहीं, मेरे पापा हो। प्लीज। हाँ सॉरी 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 मैम। टप्पू आ गए तुम? यस मैम। मैम ये मेरे पापा है। पापा मैम। हेलो। आइए मेरे कैबिन में। बैठी बैठी। थैंक यू। टप्पू तुम ही बैठो। थैंक यू। तो आप हैं टप्पू के पापा? जी मुझे बनाया है। मतलब यही है मेरे पापा? जी हाँ, myself पत्रा। इस पुत्र का पिता मैं श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा हूँ। तो मिस्टर जेठालाल, आप जानते हैं आपके बेटे ने आज क्लासरूम में क्या किया है? जी जी मैडम, टप्पू ने बताया मुझे। लेकिन टप्पू ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि टप्पू कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इसके परिवार को बरसों से जानता हूँ। टप्पू का परिवार? क्या मतलब, आप और टप्पू अलग अलग परिवार से हैं? नहीं, मतलब एक ही परिवार है। मेरा मतलब है कल को टप्पू बड़ा होगा, उसकी शादी होगी। टप्पू बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तेरी शादी वक्त पर हो जाए। पापा क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि कल को टप्पू की शादी होगी तो उसका अपना खुद का एक अलग परिवार होगा ना, तो उस परिवार में भी मैडम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कभी कोई झूठ नहीं बोलेगा। ये हमारे परिवार के संस्कार है, बराबर ना टप्पू? हाँ पापा। आप काफी आगे की सोचते हैं। हम आगे की सोचेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा ना। फिलहाल देश के नहीं, टप्पू के बारे में सोचिए। अगर कॉलेज में ये ऐसे ही बिहेव करता रहा तो आई एम वरीड अबाउट हिज फ्यूचर। मैडम अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? श्योर। टप्पू ने आप पर जो रॉकेट फेंका था। पापा मैंने रॉकेट नहीं फेंका। हाँ मतलब वो रॉकेट जो आपको लगता है कि टप्पू ने आपके ऊपर फेंका था, लेकिन टप्पू को लगता है कि उसने नहीं फेंका था। पापा लगता है क्या? कंफर्म नहीं फेंका। अरे हाँ बेटा, मेरा सवाल तो पूरा होने दे। सॉरी। तो वो रॉकेट आपको लगा था? नहीं। कंफर्म? तो मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि वो रॉकेट टप्पू ने नहीं फेंका है, क्योंकि टप्पू कभी अपना निशाना नहीं चूकता। क्या? हाँ, क्योंकि टप्पू जब भी हमारी सोसाइटी में क्रिकेट खेलता है तो बोल बोल के खिड़की के कांच तोड़ता है कि अभी ये कांच तोड़ूंगा, अभी ये कांच तोड़ूंगा। तो वो सिर्फ एक पेपर के रॉकेट का निशाना कैसे चूक सकता है? तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। मिस्टर जेठालाल, ये पेज इसी नोटबुक का है, इसमें जो हैंडराइटिंग है वो भी इसी की है, और ये जो कोना फटा हुआ दिख रहे हैं ना आप, ये फटा हुआ कोना इस पेज से मैच करता है। और कोई सबूत चाहिए आपको? इंटरेस्टिंग मैडम, ऐसे कई केसेस है जिसमें सारे सबूत मुजरिम के खिलाफ होने के बावजूद वो बेगुनाह होता है, पर एक पत्रकार होने के नाते मैं छाता ठोक के कह सकता हूँ कि टप्पू बेगुनाह है और उसे फंसाया गया है। आप पत्रकार हैं? नहीं।
और ये तो दुकान है, है ना डप्पू? हाँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, और हमारी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस रोज आता है। उसमें मैंने कई सारे ऐसे आर्टिकल पढ़े हैं। आप भी तूफान एक्सप्रेस पढ़ते हो? हाँ, मैं ही तो मैं ही क्या, सब पढ़ते हैं। तूफान एक्सप्रेस का बहुत बड़ा सर्कुलेशन है। हाँ, है ना? देखिए मिस्टर जेठालाल, मुझे आपको कॉलेज में बुलाने का एक ही मकसद था कि आपको एज अ पेरेंट मालूम होना चाहिए कि उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या शरारत। मैम, मैं सच कह रहा हूँ, रॉकेट मैंने नहीं फेंका मैम। इनफ इज इनफ टप्पू, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मिस्टर जेठालाल, मुझे लगता है आपके लाड़ प्यार के वजह से ये शरारती बन गया है। एक्सक्यूज मी, कैन आई टेक द कॉल? या हाँ बोपटलाल। हाँ बोलो जेठालाल। जेठालाल बोल रहा हूँ, बोलो। अरे मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ना भाई, फोन क्यों किया है? हाँ फोन मैंने इसलिए किया कि अभी क्या है कि तुम और दया या दुकान पे मत आना, डायरेक्ट होटल पहुँच जाना। क्या मुझे एक पार्टी से मीटिंग करने जाना है, तो मीटिंग करके मैं भी सीधा होटल पे पहुँच जाऊंगा। 5-10 मिनट थोड़ा लेट होगा, लेकिन पहुँच जाऊंगा जरूर, ठीक है? नहीं 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 नहीं, अभी लास्ट मिनट कुछ चेंज मत करो, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करेंगे। वहाँ मीटिंग में 1 मिनट की देरी भी नहीं चलेगी। अरे 5-10 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा, तुम वहाँ जाके चाय कॉफी मंगाओगे तब तक तो पहुँच जाऊंगा मैं। अरे समझा करो जेठालाल, ने जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया, जो तय किया है वही करेंगे। प्लीज डिस्टर्ब मत करो, मैं मीटिंग में हूँ। सॉरी। तो क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि आपके ही लाड़ प्यार की वजह से ये शरारती बन गया है। नहीं ऐसी बात नहीं है मैम, may I come in? Not now, I'm in a meeting. Actually मैम, क्लास में आप पे जिसने रॉकेट फेंका था उसके बारे में सुचिता सब जानती है। Yes मैम। Please come in. आ जाओ, आ जाओ। हाँ बोलो सुचिता, क्या जानती हो तुम? मैम, रॉकेट फेंकने की साजिश रॉकी और विक्की की थी। मैम, रॉकी को कैंटीन में टप्पू की नोटबुक से पन्ना फाड़ कर चुराते हुए मैंने देखा था। और विक्की ने उसी पन्ने का रॉकेट बनाकर फेंका। ताकि टप्पू पकड़ा जाए और उसे सजा हो। मैम, वो दोनों कॉलेज में टप्पू की पॉपुलैरिटी से बहुत जलते हैं। देखा मैडम, मैंने कहा था ना टप्पू बकासुर है, बेकसूर है। आ गया ना सच बाहर। वैसे तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? मैम, मैं एक्स्ट्रा क्लास में थी। अभी जब क्लास के बाद जब सोनू से सारी बात पता चली तो मैं आपको सच बताने आई। तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूं? हो सकता है तुम टप्पू को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। लेकिन मैम, हमारे पास सबूत है। गोली। रॉकी, विकी, मैम को सब कुछ सच सच बता दो। सॉरी मैडम, हमने ही टप्पू को फंसाने के लिए उसकी नोटबुक से पन्ना फाड़ा था और मैंने ही उस पन्ने का रॉकेट बना के फेंका था। What? हाँ। सॉरी मैडम। तुम दोनों की वजह से मैंने टप्पू पे शक किया, उसके फादर को यहाँ ऑफिस में बुलाया, उनका टाइम वेस्ट किया। शेमलेस, अपने आई कार्ड दो और कल अपने पेरेंट्स को यहाँ लेके आना। नहीं नहीं मैम, आप इन्हें माफ कर दीजिए, मुझे इन दोनों से कोई शिकायत नहीं है। वाह 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 टप्पू बेटा, वाह वाह। Shame on you. तुम दोनों ऐसे फंसा रहे थे और ये तुम्हें बचा रहा है। सीखो, सीखो कुछ टप्पू से। Sorry टप्पू, हमें माफ कर देना। हाँ यार, sorry टप्पू। It's okay. You all may go now. Very good Pinko. Very good Gali. Thank you Sonu. Thank you friends. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you. टप्पू, मुझे माफ कर दो बेटा। मैम, आप हमारे गुरु, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? अरे सॉरी बड़ा बोलता है या छोटा वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि अपनी गलती का स्वीकार करें और माफी मांगे।
वाह वाह वाह, इतने उच्च विचार हैं आपके। आजकल ऊपर वाले ने आप जैसे लोगों को बनाना ही बंद कर दिया। नहीं नहीं प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, काम छोड़कर यहाँ कॉलेज आना पड़ा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। नो नो प्रॉब्लम। हाँ पापा। नलिनी पुत्र, मैं कब से तुझे फोन पे फोन किए जा रहा हूँ, तू फोन नहीं उठा रही है। पापा मैं लेक्चर में थी और अभी मीटिंग में हूँ, कोई अर्जेंट है? ओए दरअसल बात यही है पुत्र, कि मैंने और तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए एक पढ़े लिखे लड़के का बायोडाटा पसंद किया है। पापा मैंने आपसे कहा ना कि मुझे किसी भी बायोडाटा में इंटरेस्ट नहीं है। अरे पुत्र पूरी गल तो सुन ले, मुझे और तुम्हारी मम्मी को उस लड़के का बायोडाटा पसंद आ चुका है, इसलिए हमने तुम्हारी इस लड़के के साथ फेस टू फेस मीटिंग अरेंज की है। पुत्र एक बार तू उस लड़के से मिल ले, शायद तुझे भी वो लड़का पसंद आ जाए। हम बेटा वो लड़का पढ़ा लिखा है और पत्रकार है। अरे तेरी सोच से बिल्कुल मैच करता है। अब तो ना नहीं करना बेटा प्लीज। ओके मामा, आप लोगों को सब सही लगता है तो मैं एक बार मिल लेती हूँ। हाँ ऐसा करना तो कॉलेज से जल्दी आ जाना और फ्रेश होकर 6 बजे सनशाइन रोड में आ जाना। ओए सनराइज सनराइज सनराइज। ओके ओके, मैं और तेरे पापा वहीं पे मिलेंगे, ठीक है? बाय बेटा। ओके बाय मामा, बाय। अरे ये ना, और तो तुसी चलो जल्दी, तैयार होना है, जाना है। सॉरी घर से फोन था। नो नो इट्स ओके, तो हम चले। ओके हाँ एक मिनट टप्पू, तुम्हारा आई कार्ड और ये बुक। और टप्पू तुम्हारे पापा को तुम पे खुद से ज्यादा विश्वास है, उनका विश्वास कभी मत तोड़ना बेटा। यस मैम, मैं मेरे पापा का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। वैसे टप्पू तुम्हारे पापा पापा कम तुम्हारे दोस्त ज्यादा लगते हैं। हाँ मैडम, वो कहावत है ना कि जैसे ही बाप के पैर के जूते बेटे के पैर में आने लगे उसे बेटा नहीं दोस्त समझना चाहिए। हाँ मेरा और पापा का रिलेशन कुछ ऐसा ही है। वैसे मैडम मैंने और इसकी माँ ने टप्पू को ऐसे बड़ा किया है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। वेरी नाइस, ऐसे ही माँ बाप होने चाहिए। वैसे क्या नाम है टप्पू की मम्मी का? दया भाभी। मतलब नाम दया है लेकिन सोसाइटी में सब प्यार से दया भाभी कहते हैं। हाउ स्वीट। टप्पू एक बार तुम अपनी मम्मी से जरूर मिलवाना। यस मैम श्योर एनी टाइम। एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ पोपट भाई। हाँ बोलिए दया भाभी। टप्पू की मम्मी का फोन है, वो मैंने अभी बताया ना सोसाइटी में सब प्यार से दया भाभी बुलाते हैं, तो मैं भी कभी कभी दया भाभी बुला लेता हूँ मजाक में। अच्छा हो सकता है वो टप्पू की वजह से टेंशन में हो। लाइए मुझे फोन दीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बात कर लूंगा, आई विल मैनेज। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलिए। हाँ पोपट भाई, अरे मैं कब से सोसाइटी कंपाउंड में आपकी राह देख रही हूँ, आप कब आ रहे हैं? मैं बस पहुँच ही रहा हूँ, आप वहीं मेरा इंतजार कीजिए। हाँ जल्दी आइए, देखिए लड़की देखने जाने में टाइम पे पहुँचना बहुत ही जरूरी है। हाँ ओके ओके ओके। टप्पू बेटा हमें चलना पड़ेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। हाँ पापा मैं बस अभी निकल रही हूँ, मैं सनराइज होटल पहुँचती हूँ। थैंक यू बाय। टप्पू चल जल्दी चल, बेटा 5:30 बज गए, बहुत लेट हो गए। सॉरी क्या हुआ? फ्रेंड्स सच्चाई की जीत हुई फ्रेंड्स, वो विक्की और रॉकी ने तो मुझे टेंशन दे दिया था लेकिन मिशन पापा सक्सेसफुल रहा, मुझे मेरा आईडी कार्ड मिल गया। थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू पोपट अंकल, आपने क्या एक्टिंग की है। पोपट अंकल नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ भी होना तो आप ही मेरे पापा बनना। हाँ पोपट अंकल मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा तो आप ही मेरे पापा बनना। क्या बोल रहे हो भाई तुम लोग? अरे मजाक नहीं बच्चों, ये मजाक की बात नहीं है, जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। टप्पू बेटा आज तो मैंने तुम्हें सपोर्ट किया लेकिन अगली बार नहीं करूंगा, जो गलत है वो गलत है। यस यस पोपट अंकल, आई एम सॉरी लेकिन थैंक यू। चलो चलो लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। हाँ, हाँ, क्या हुआ? मेरा चाचा कहाँ रहा है ना पोपट अंकल, ये रहा संभाल के रखा है। थैंक यू थैंक यू। चलो चलो लेट हो रहा है, दया भाभी को लेकर सनराइज होटल पहुंचना है। पोपट अंकल आपके लिए रिक्शा भी रेडी है। थैंक यू गोली बेटा, थैंक यू। चलो चलता हूँ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अरे पोपट अंकल, अरे पोपट अंकल, पोपट अंकल, हाँ पोपट अंकल, आप मेरे पापा बने थे, ये सोसाइटी में पापा मम्मी या दादाजी को किसी को पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि पता चला तो मेरी बहन बच जाएगी। अरे तेरी क्या, मेरी भी बहन बच जाएगी।
चिंता मत कर, जेठालाल सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं जेठालाल बना था, ओके? और पोपट अंकल, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी बात पक्की हो जाए। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। चलो चलता हूँ, चलो चलो पाउडर गली गुप्त धन सोसाइटी, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। बाय 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 बाय, थैंक यू बाय, ऑल द बेस्ट। बातों में कैसे वक्त चला गया है पता ही नहीं चला नहीं। अरे अरे अरे, आप किसकी राह देख रहे हैं? किसकी राह देख रहे हैं? कौन आने वाला है? मैं पोपट भाई की राह देख रही हूँ। अच्छा, अरे आप पोपट भाई की राह क्यों देख रही है? उनके साथ कहीं बाहर जा रहे हैं आप? अरे पोपट भाई को मैरिज बोर्ड में सब फाइनल था कि लड़की के परिवार वालों को पोपट भाई का वो बायोडेटा बहुत पसंद आया है। बायोडेटा? बायोडेटा, बायोडेटा। तो अभी होटल में लड़की वालों के साथ मीटिंग है, तो पोपट भाई के साथ मैं और टप्पू के पापा भी जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पर पोपट भाई है कहाँ? अरे वही तो, मैं कब से उनकी राह देख रही हूँ। पोपट भाई ने कहा था कि वो 5:30 बजे आएंगे, अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रुक गए। वहाँ टप्पू के पापा भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। भाभी चलिए 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 जल्दी चलिए, बहुत लेट हो गया। बेचारे पोपटलाल कितने मासूम, कितने बेखबर, इस बात से अनजान है कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिए। भाई पोपटलाल ने बड़ी सक्सेसफुल एक्टिंग कर ली प्रोफेसर नलिनी के सामने जेठालाल बन, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर है। ये जो नियति का स्क्रीन प्ले है ना, बड़ा कमाल का। इधर तो पोपटलाल ने बड़ी एक्टिंग कर ली और इधर इसी प्रोफेसर नलिनी के साथ पोपटलाल का रिश्ता तय हो गया। अब जो अगला सीन है ना नियति के स्क्रीन प्ले का, बड़ा कमाल। ये प्रोफेसर नलिनी रिश्ते के लिए पोपटलाल से मिलेगी और साथ में होंगे असली जेठालाल। तो प्रोफेसर नलिनी जो पोपटलाल को जेठालाल समझती हैं, जब पोपटलाल को जेठालाल कहेंगी तो असली जेठालाल का क्या हाल होगा? सोचते रहिए भाई, बड़ा कमाल का टर्न है, ट्विस्ट है, लाफ्टर है, कंफ्यूजन है अगले एपिसोड में। अब तब तक ये सोचिए कि भाई जब दो दो जेठालाल होंगे तो क्या होगा। भाई होगा बहुत कुछ, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.